हिलसा के प्रखंड सांचल कार्यालय कैंपस में समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व मंत्री संविधान पार्षद नीरज कुमार, विधान पार्षद रीना यादव, हिलसा विधायक कृष्ण मारी शरण, प्रेम मुखिया मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, समाज कल्याण विभाग के सहायिका निर्देशक गायत्री कुमारी समेत लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाली 5 महिलाओं को 1-1 लाख रुपये का चेक दिया गया। परिवेश योजना के तहत बच्चों को पालन पोषण के लिए 10 बच्चों के बीच में 1000 प्रतिमाह के लिए स्वीकृति पत्र दिया गया। मौके पर हिलसा के वीडियो अमर कुमार, जीविका प्रखंड परियोजना के पदाधिकारी राकेश कुमार के अलावे हिलसा नगर परिषद के विभिन्न वार्ड के वार्ड पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जहाँ इस तरह के कार्यक्रम हुआ, यह भव्य तरीके से कार्यक्रम था जो कि हिलसा के आंचल सह प्रखंड कार्यालय में आयोजित किया गया था, जहाँ हिलसा प्रखंड क्षेत्र के लोग यहाँ पर जुटे थे। काफ़ी एक भावुक दृश्य था। ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया, जो कि ट्राई साइकिल का हरी झंडी दिखाकर मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार एवं उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों ने दिखाया, जो कि काफ़ी बेहतर है। इस दौरान क्या कुछ लोग कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 17 लोग हैं। बुनियाद केंद्र में चश्मा के लिए 100 लाभार्थी का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री परवरिश योजना 4 लोगों की स्वीकृति दी गई है। और संबल योजना जो मोटराइज 3-पहिया साइकिल है, इसमें 26 लोगों को, जो हमारे दिव्यांग भाई और बहन है, उनको हम लोग यहाँ पर आज सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ वक्त लेते हुए नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता कि बिहार के सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में ये सारा काम चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि हर लोगों के लिए हमारे पास योजना है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो निसहाय लोग हैं उनके लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए, जो अंतर्जातीय शादी करते हैं, विवाह करते हैं उनके लिए, जो भिक्षा मांग करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए, सबके लिए हमारे पास योजना है। और उन योजनाओं का लाभ आपको हम देना चाहते हैं और मिल भी रहा है। अभी हमारे अधिकारियों ने आपको बताया होगा कि किस तरह से हम इस समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर किन किन योजनाओं को हम लोग यहाँ पर कार्यान्वित कर रहे हैं। अभी कल भी एक योजना जो अभी पहले से नालंदा में लागू नहीं है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा योजना है जी गायत्री? सेवा कुटीर है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं। मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के अंतर्गत जो भिक्षाटन करते हैं, जो सड़क के किनारे पर उनको कोई देखने वाला नहीं है, उन सबको वहाँ पर हम रहने की भी व्यवस्था करते हैं, खाने की भी व्यवस्था करते हैं और उनके वस्त्र का भी इंतजाम करते हैं। तो हर प्रकार से गरीबों के लिए हमारी यह सारी योजना है। इतना सारा काम हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर जो बैठी हैं जीविका की दीदियाँ भी लगता है बैठे हैं कि नहीं, हाथ जरा उठाइए। तो जीविका कितने लोग हैं बताइए, इतने लोग जीविका के लोग बैठे हैं और हम लोग कितना काम कर रहे हैं जीविका के लिए। अभी बिहार में 10,47,000 जीविका समूह हमने बनाया गया, 1,30,00,000 तक अभी हम लोग पहुंच गए हैं। ये मंत्री जी आज ये श्रवण बाबू का दिन है और नालंदा से ये जमीन से जुड़े हुए हैं और बराबर इनका कुछ न कुछ प्रोग्राम जो है होते रहता है। ये आप सभी लोग देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले यहाँ पटेल कॉलेज में हुआ था, भारी मात्रा में लोग वहाँ जुटे थे और वहाँ पर बहुत लोगों को नौकरी मिला और जितना भी लोग समाज के लोग थे, चाहे पार्टी के लोग थे, चाहे गरीब वर्ग के लोग थे, सब लोग वहाँ पर आए थे और अपना जो जरूरत था उसके मुताबिक उन्होंने अपना आवेदन दिया था। तो यह आयोजन किया जाता है सरकार की तरफ से और सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, सब आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी बात करवाए जा रहे हैं उसको तो आप लोग भले भांति
वंचित है और मैं विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा से नालंदा के उन लाभुकों के लिए हमेशा संवेदनशील रहे हैं जो समाज के अति पिछड़े और मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। सर के आदेशानुसार आज एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन हिलसा में किया गया है और